गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7 ऑफ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। सो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडू परचेज टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 केजी एंड 69 केजी। सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। रेडू ने परचेज किए टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जिनका वेट था 75 केजी एंड 69 केजी। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वेट जिससे जो वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो मेजर हो जाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि वेट ऑफ टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर 75 एंड 69 केजी। सो जो हमारे वेट हैं इनके हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो जो फैक्टर्स आएंगे उसके बाद हम उनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सो जो हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वेट दे रखा है 75 केजी, इसके फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से फैक्टर्स करेंगे, 2 से हो नहीं सकते, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, 25 के क्या फैक्टर्स होंगे, 5 5 जा 25, देन 5 के क्या होंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, तो हमारे 75 के फैक्टर्स आ गए 3 × 5 × 5। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 69। तो 69 के फाइंड करते हैं, 69 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, देखो लास्ट डिजिट हमारा 9 है, सो ये 2 से तो नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब देखो 23 आया, 23 अब नहीं टेबल से जाता, तो 23 1 जा 23। तो 69 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 3 × 23। हम ऐसे फाइंड करते हैं, तो ऐसे फाइंड करने के लिए कॉमन देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है दोनों नंबर्स में से। तो देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स 3 जो हमारे हैं कॉमन है, तो दैट मीन्स 3 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि 3 जो है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट है जिससे जो वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो एग्जैक्ट टाइम पर मेजर्स किए जा सकते हैं। सो द आंसर इज 3। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 बॉयज स्टैप ऑफ टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट, द स्टैप मेजर्स आर 63 cm, 70 cm एंड 77 cm रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टैप। 3 बॉयज हैं जो कि स्टैप ऑफ टुगेदर करते हैं, एक साथ स्टैप ऑफ करते हैं एक ही सेम स्पॉट से। ठीक है, सो जो उनके स्टैप होते हैं वो कितने कितने होते हैं, फर्स्ट बॉय के 63 cm, सेकेंड बॉय के 70 cm एंड थर्ड बॉय के 77 cm रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस सो दैट ईच शुड कवर, जिससे कि सारे के सारे कवर कर लें टोटल डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, जो स्टेप्स उन्हें दे रखे उस डिस्टेंस में वो कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर लें, उन मिनिमम वो हमको वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट बॉय के कितने स्टेप्स मेजर्स हैं, 63 cm। ठीक है, सेकेंड बॉय के 70 cm एंड थर्ड बॉय के हमारे 77 cm। सो हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जो भी उनके स्टेप्स दे रखे हैं हम इनके एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम दे रखा होता तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, बट मिनिमम स्टेप दे रखे, मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। सो 63, 70 और 77 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे इसको 2 से, सो 2 से 63 भी जा सकता है, डिविजिबल नहीं है, 70 जाता है 35 टाइम्स एंड 77 डिविजिबल नहीं है। फिर किससे जा सकता है, ये 3 से जा सकता है, सो 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, उसके बाद ये 35 डिविजिबल नहीं है, 77 डिविजिबल नहीं है, तो ये एडिट है। ठीक है, उसके बाद 21 31 77, अगेन ये 3 से जा सकता है, 3 7 जा 21, 35 डिविजिबल नहीं है, 77 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 5 से जा सकता है, 5 7 से डिविजिबल नहीं है, पर 5 में 35 7 टाइम्स आता है 77। ठीक है, अब किससे जा सकता है, 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 एंड 7 को 11 से करा तो 77।
answer. Now let's come to our next question, that is question number 3. The length, breadth and the height of a room are 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. So find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. क्या कि मैंने हमें length, breadth and height room की दे रखी है 825, 675 and 450 cm. ठीक है, हमें क्या find करना है, longest tape की dimensions find करनी है ना. longest tape कितना longest tape हमें चाहिए होगा तीनों length, breadth and height room की measure करने के लिए. ठीक है, so start करते हैं. given क्या है, length, breadth and height 825, 675 and 450. तो हम क्या करेंगे, 825, 675 और 450 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले और बाद में उसका एचसीएफ निकालेंगे. सो जो एचसीएफ आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी टेप की, कि हमें कितना लंबा टेप चाहिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम को मेजर करने के लिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम 825 के फैक्टर्स करेंगे. ठीक है, सो 825 के फैक्टर्स में 3 से स्टार्ट करें. सो कितना आया, 275. 3 2 6 1 6 7 एंड 5. ठीक है, देन 275 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो देखो लास्ट डिजिट हमारा 5 है, तो इस बार ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा. 5 को आपने 275 से 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 55 टाइम जाएगा. फिर 55 आया, 55 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में 11 टाइम्स, और 11 अपनी ही टेबल से आता है 1 टाइम. सो 825 के फैक्टर्स निकले हमारे 3 × 5 × 5 × 11. ठीक है, अब हम करेंगे 675 के फैक्टर्स. तो 675 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो मैंने 3 से स्टार्ट करा है ना, तो 3 से स्टार्ट करा तो ये कितने टाइम्स गया, 225 टाइम्स गया. अगेन मैंने इसको 3 से करा तो ये 75 टाइम्स गया. ठीक है, और फिर 75 को 3 से अगेन करा तो ये 25 गया, और 25 किसके टेबल में आता है, 5 के, तो 5 5 सा 25, देन 5 बचा हुआ है तो 5 1 सा 5. फैक्टर्स करना हम सीख चुके हैं, तो मैं एक एक स्टेप के फैक्टर्स करके आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज से सीख चुके हैं कि फैक्टर्स हर नंबर के कैसे कैसे करते हैं. देन 450, 450 के फैक्टर्स करेंगे. 450 क्या है, हमारी हाइट है. 450 के फैक्टर्स करेंगे तो देखो 2 से करा मैंने. ठीक है, 2 से फैक्टर्स करें तो ये गया 225 टाइम्स, देन 3 से करें तो ये गया 75 टाइम्स, देन 3 से करा तो 75 गया 25 टाइम्स, देन 25 बचा तो 25 कितने टाइम जाएगा, 5 5 से कितना होता है हमारा 25, 5 बचा हुआ है तो 5 1 सा 5. ठीक है, सो 450 के क्या फैक्टर्स आ गए हमारे, 2 × 3 × 3 × 5 × 5. ठीक है, और 675 क्या है, 3 × 3 × 3 × 5 × 5. ये सब हमारे 675 के फैक्टर्स हैं. अब हमारे पास 825, 675 एंड 450 के फैक्टर्स आ चुके हैं. इनमें से हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं. ठीक है, फिर ऐसे फाइंड करेंगे. तो देखो तीनों नंबरों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे, ये तो हमारी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट क्या है, उसमें से कॉमन है देखो यहाँ से 3. ठीक है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो एक तो 3 आ गया हमारे पास कॉमन. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया 5. ठीक है, अगेन चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो अगेन एक और 5 हमारा कॉमन आ गया. इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है. सो अब जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आए उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 50, 15 × 5 75. तो एचसीएफ कितना निकला हमारा, 75 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स हमें कितनी लॉन्गेस्ट टेप चाहिए, 75 सेंटीमीटर हमें लॉन्गेस्ट टेप चाहिए, जिससे कि जो हमारी लेंथ, ब्रेथ और रूम हाइट रूम की वो मेजर्स की जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली मीन्स रिमाइंडर 0 बचे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 6 8 एंड 12 से. तो सबसे पहले हम 6 8 एंड 12 का एलसीएम लेंगे, फिर जो उनका एलसीएम आएगा उस नंबर का हम मल्टीपल फाइंड करके स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर फाइंड करेंगे. स्टार्ट करते हैं, 6 8 एंड 12 का हम सबसे पहले मल्टीपल लेंगे. तो 6 8 और 12 का हमने सबसे पहले एलसीएम लिया. सो सबसे पहले किससे जाएगा, ये 2 से कर जा सकता है, 2 3 जा 2 4 जा एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 से जा सकता है, 2 3 तो नहीं गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, अगेन 2 से जा सकता है क्योंकि 2 बचा हुआ है, तो 2 3 1 जा 2 और ये 3 का 3 एज इट इज, क्योंकि 3 तो जाएगा ही नहीं ना,
ठीक है, सिर्फ टू की वैल्यू ही जाएंगे। अब किसे जा सकता है, ये थ्री से जा सकता है। सो थ्री वन जा एंड वन जा, तो सिक्स एट एंड ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या निकले, देखो क्या निकले, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, ये फैक्टर्स निकल गए हमारे सिक्स एट ट्वेल्व के। तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, क्या आया, ट्वेंटी फोर। अब हमारे पास नंबर आ चुका है ट्वेंटी फोर। नाउ वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी फोर। अब हम किसका स्मॉलेस्ट डिजिट किसका फाइंड करेंगे, जो नंबर आया है हमारे पास ट्वेंटी फोर, अब इसका हम थ्री डिजिट मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो वही हमारे क्या होगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होगा। ठीक है, सो देखो क्या होगा, ट्वेंटी फोर को आप इंटू करोगे तो देखो ट्वेंटी फोर को अगर आप फोर से इंटू करते हो ना तो आता है नाइन्टी सिक्स। ठीक है, और अगर आप ट्वेंटी फोर को इंटू करते हो फाइव से तो यू विल गेट वन ट्वेंटी। ठीक है, ये हम ट्वेंटी फोर की टेबल से चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें जो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर चाहिए वो एग्जैक्टली इससे डिविजिबल होना चाहिए, इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो इनसे डिविजिबल क्या होगा, जब वो ट्वेंटी फोर से डिविजिबल हो रहा है, राइट, क्योंकि ट्वेंटी फोर इनका एलसीएम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्वेंटी फोर की टेबल से चेक करेंगे, हमें थ्री डिजिट नंबर चाहिए। तो देखो ट्वेंटी फोर को अगर मैं फोर से इंटू करती हूँ तो मेरे पास नाइन्टी सिक्स आता है, जो कि टू डिजिट नंबर है, कितना है, टू डिजिट नंबर है। और ट्वेंटी फाइव को मैं फाइव से इंटू करती हूँ तो मेरे पास वन ट्वेंटी आता है, जो कि वन टू थ्री, थ्री डिजिट नंबर है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमें थ्री डिजिट नंबर चाहिए, सो ट्वेंटी फोर को फोर को से इंटू करने के बाद फाइव से इंटू करने के बाद जस्ट एक थ्री डिजिट नंबर आ रहा है, जो कि पहला डिजिट थ्री डिजिट नंबर है। सो हम क्या कह सकते हैं, हैंस 120 इज द स्मॉलेस्ट, 120 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो हमारा 120 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि हम आगे फाइंड नहीं करेंगे इसके, 24 को हम 16 नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो थ्री डिजिट नंबर शुरू होते चले जाएंगे। देखो 120 से हमारे थ्री डिजिट नंबर यहाँ से शुरू हो चुके हैं, इसके बाद तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट। तो 96 के बाद जस्ट जो थ्री डिजिट नंबर आ रहा है वो है 120, और वो ही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस 120 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 8 12 से डिविजिबल है 120, हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फोर्थ खत्म होता है।